गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो रात को हमारा जगने का था कि 1-2 बजे जाएंगे, लेकिन मैं तो जग रही थी, ये नहीं जगे। 1 बजे का था, 1 बजे ये था कि 2 बजे निकलना है। हमने अलार्म भी लगा लिया था और मैं सच बताऊं कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। क्या हुआ था, अगर मैं दोपहर को सो गई थी तो मैं तो जग रही थी कि ये लोग की नींद पूरी होगी, जैसे अलार्म बजेगा तो वैसे अपन चल देंगे। पर यहाँ जो है हमारे पांडे जी की नींद ही नहीं खुली, मतलब नींद क्या, मैं जगा रही थी, इन्होंने मना कर दिया कि सुबह चलेंगे। ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ, ठंड बहुत ज्यादा है। फिर मैंने कहा चलो नींद पूरी हो जाए फिर चलेंगे। तो बस अब चलते हैं, थोड़ा सा घर का काम समेटते हैं और फिर इसके बाद निकलते हैं। नाश्ता करके चल रहे है ना, पोहा। हाँ, तो इनको खाना है पोहा, तो नाश्ता बनाएंगे फिर इसके बाद। तब तक बच्चे भी नहा रहे हैं, फिर मैं नहाऊंगी, फिर इसके बाद निकलते हैं और आप ब्लॉग में बने रहिएगा। बच्चे कर रहे हैं पूजा, कान्हा जी को कपड़े पहना रहा नी, हनुमान जी की बाकी उनको नहला दिया हूं। अच्छा अच्छा, हनुमान जी बैठे उनको पहना। हाँ, पहना जी का। देव आराम से है ना, कपड़े मत गिलाना। खाना हो गया हमारा, बच्चों का हो गया और अभी रिंकी खाना खा रही है। उसके बाद हम लोग रेडी होते हैं, निकलते हैं। अभी जब एक दिन भोपाल गए थे ना, तो भोपाल में भोजपाल महोत्सव मेला लगा हुआ है, तो मुझे वहां पर राजस्थानी ये जूती पसंद आ गई, मुझे काफी अच्छी लगी, तो मैंने इसे ले लिया वहां से। और पापा की मम्मी के लिए। मैं मम्मी के लिए ले लिया था, तो आज इसको पहनने का मौका मिला है, तो चलिए आज पहनते हैं, देखते हैं कंफर्ट है कि नहीं है। तो कुछ दिन तो लिया था, ज्यादा देर तक पहना नहीं था, पहनने के बाद समझ आएगा कि कंफर्ट कितना है। कुर्ता पजामा से तो और अच्छा लगेगा। चले यार, चलो ठीक लग रही साड़ी। हाँ सब बढ़िया, चलो चलो बच्चों। गाड़ी कोई भी है। हाँ हाँ, ये चीटर उठा लेना नहीं मेरा। तो आज छुट्टी भी है और साल का लगता है ये लास्ट सैटरडे है, नहीं लास्ट सैटरडे नहीं है, 30 को भी लास्ट सैटरडे था, 30 तारीख को इस साल का लास्ट सैटरडे पड़ेगा, पर उस दिन हमारी छुट्टियां नहीं रहेंगी और ये 4th सैटरडे है। तो आज हम सब परिवार जा रहे हैं, बने रही हमारे साथ पे। अभी रिंकी लॉक कर रही है गेट और बाहर आ रही है, फिर हम लोग निकलते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। सो गाइस, हम निकल गए हैं दर्शन के लिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। जा रहे हैं भगवान जी के दर्शन करने, छीन वाले बाबा जी के दर्शन करने, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। हम आप लोग को भी हमारे साथ में, यानी आप लोग को भी हम कराएंगे अपने साथ में छीन वाले दद्दा जी के दर्शन। हाँ। तो आप लोग देखिएगा और बहुत ही पूरा जो एरिया है ना, यानी आपको पूरे टूर पे पूरे रास्ते में मजा आना, पूरा का पूरा जंगली एरिया है, नेचर खूब मिलेगा आपको देखने के लिए हमारे साथ में। बहुत ही प्यारा पूरा रूट है, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ में, हम ढेर सारी आपको चीजें बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तो प्लान तो हमारा ऐसा था कि हम सुबह सुबह जाएंगे, मॉर्निंग आरती अटेंड करेंगे, लेकिन ये जो इनकी नींद थी, नींद नहीं खुली, तो इस वजह से हम नहीं जा पाए। ठंड भी बहुत ज्यादा थी, बच्चे भी थोड़ा सा लेट सोए थे, तो इस वजह से फिर हमने कैंसिल कर दिया। कितना बज गया जी? अभी बज गए हैं, देखना पड़ेगा। 11 बज गए हैं अभी। मतलब ये था कि सुबह फिर भी 6 बजे निकल लेंगे, लेकिन नहाते धोते काम वगैरह करते करते फिर नाश्ता बनाई, नाश्ते मैंने बनाया था पराठा और सब्जी। चने की भाजी लगी है। रास्ते में जाते समय बहुत सारे बंदर मिलते हैं, तो अभी हम यहाँ ले रहे हैं बनाना। ओ ले सभी के लिए, एक एक कर देना, ऊपर ले लेंगे सब। अरे उल्ले का नहीं,
नहीं लड़ना नहीं है। नहीं खा ली, तुम खाओ। दे दो तो, दे दो, दे दो। गलत है ना? चना दो, चना दो। कहाँ पर है? देख लो। अल्लाह मत करो बेटा। वो देखना इधर गाड़ियां है। रुकना रुकना। बाय बाय। हाँ तो भूखे रहते हैं बेचारे। तो आप देख रहे होंगे हम जहाँ से जा रहे हैं सिर्फ चने के खेत, चने के खेत, चने के खेत। नहीं गेहूं के भी है। गेहूं के भी है। हाँ मतलब बहुत ज्यादा है। तो अभी हम पहुँच रहे हैं, आराम से रुकते रुकते जा रहे हैं। अभी और जंगल पड़ेगा? अब नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, ये देख रहे होंगे आप साइड में। अब खमरिया आ गए, खमरिया से आएंगे सुल्तान। तो बहुत जल्दी पहुंचना है इसलिए हम बहुत आराम से जा रहे हैं और आराम से गांव का आनंद लेते हुए। पूरा ये गांव ही गांव है तो आराम से हर तरह के यहाँ व्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा आराम से घूमते हुए जा रहे हैं। गाँव की सब्जियां भी लगी हुई है यहाँ। तो चलते हैं। विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बलन विराज सुबेसा कानन कुंडल। अभी कोई नदी पड़ रही है बहुत ही। कौन सी नदी है? पानी अच्छा है यहाँ नदी में, है ना? पानी साफ है इधर का ना? पानी साफ क्या, गंदा है। हाँ उधर देखो कितने सारे बंदर उधर बैठे हैं। अभी धूप है ना, तो धूप में जो हवा रहती है इस टाइम की अच्छी, एकदम अच्छा लग रहा है। हवा भी चलती है, धूप भी अच्छा लग रहा है। देख के आना मिट्टी तुम लोग। तो अभी आ गए हम, जब भी हम छींच जाते हैं ना तो यहाँ पर पे एक बांध है जो बाड़ी के पास पड़ता है। बाड़ी और बरेली के बीच में काफी खूबसूरत प्लेस है। तो रिंकी को बनानी थी और मुझे भी कुछ प्लान था, यहाँ पे कुछ अच्छी रील्स बना सकते हैं। तो हम सब थोड़ा चल करके, थोड़ी मेहनत करके, आप भी देख रहे होंगे इस लोकेशन को, जहां तक नजर जाएगी ना दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिखेगा आपको इस बांध के अंदर पे। यानी आपको लास्ट का छोर कहीं से दिख नहीं रहा। यानी ये शाम हो ना तो सूरज के उगने और सूर्यास्त के टाइम पे भी काफी अच्छा व्यू आता होगा यहाँ पर। उस समय यदि रहेंगे तो आपको बता पाएंगे। हाँ तो थोड़ा सा कष्ट तो लेने पड़ेगा। हाँ मैं रुको आ रहा।
रहे थे कश्ती उठाने आए थे, मुझे पता नहीं है, फिर दानस से याद आया ये कागज की कश्ती, ये बारिश का पानी, बारिश का पानी कर लेना वादा। तो भैया को बहुत बहुत थैंक यू भैया लोगों ने बहुत हेल्प की। हम लोग मतलब रील बनाना था, लोकेशन बहुत प्यारी थी। ए हनी मत आओ बेटा अंदर, गहरा नहीं है पानी पर गीला मत हो। हाँ गहरा तो नहीं होगा, तुम गिरा ना। नहीं गहरा नहीं है। तो गाइस यहाँ हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, ये जो डैम था पीछे देख रहे होंगे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, यानी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। टाइम भी हो गया काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, रील्स बनाई हमने और रील्स हमारे इंस्टाग्राम में पोस्ट होंगी और इंस्टाग्राम आईडी में मेंशन कर रही हूँ, तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। और चलते हैं हम मंदिर की ओर, और यहाँ देख रहे होंगे किस तरह सामने कुछ दिख रहा है ना, ये कीड़े हैं एकदम छोटे छोटे, पता नहीं कैसे कीड़े हैं। ये हाल ये क्या है, तीनों बाप बेटे ये क्या हालत बना रखे हो भाई। ये अब निकलते हैं यहाँ से, जूते और पाँव की क्या हालत हुई है इनके, तो कम मिट्टी लगी है, मेरी नहीं हुई साफ, कहीं करेंगे वहां चलेंगे तो चल जाएगी गाड़ी। यही रोड आए थे, यही रास्ता आए थे ना, हमारी गाड़ी चल जाती है, अभी इसी रास्ते से आए थे ना हम। हर जगह काहे पत्थर डाल दिए यार, अभी ऐसे डालो वो ले पत्थर डाल दो उठो। हाँ तो अब आते हैं मुद्दे में, चने का खेत कहाँ मिलेगा, चना का खेत सब चुक गया। नहीं हम जानते थे यहाँ, तो मुझसे बता दिया आखिर लास्ट में ही हुआ, उसने बताया कि यहाँ सही चना होते नहीं है। अब कल आऊंगी मैं चने भाजी तोड़ने, चाय पिलाएंगे कुछ खिलाएंगे। हाँ।